CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 4 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि आप इस समय हमारे कार्यक्रम को सुनने का आनंद ले रहे होंगे। मजा आ रहा है कार्यक्रम सुनने में? मुझे भी बहुत मजा आता है ये सारे कार्यक्रम सुनने में। आज मैं उषा दीदी आपको एक कविता सुनाऊंगी। मालूम है उस कविता का नाम क्या है? आपकी ही पसंद का नाम है। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कविता का नाम क्या होगा? सोचिए। इस कविता का नाम आजकल के मौसम के ऊपर है। और आजकल मौसम कौन सा चल रहा है? बारिश का मौसम। सावन का महीना है, बादल नजर आते हैं आसमान में और फिर जब तक बरसने लगते हैं। तो हमारी आज की कविता इन्हीं बादलों के ऊपर है। तो हमारी कविता का नाम है मन के भोले भाले बादल। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कल्पना की दुनिया में ले जाती हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए कल्पना हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये हकीकत हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि उषा दीदी ऐसे कौन से सवाल लेकर आई हैं आज? कविता सुनाना तो दूर, हमें सवालों में उलझा रही हैं। ना ना, ऐसा नहीं है, सवालों में नहीं उलझा रही मैं, आपको मजा आएगा। आपने आसमान में तरह तरह के बादल देखे होंगे। कुछ सलेटी रंग के बादल हैं, कुछ गहरे काले बादल हैं और कुछ बादलों में आपने तरह तरह की आकृति देखी होगी। कभी कोई बादल ऐसा लगता होगा कि जैसे हाथी सूंड उठाकर सलाम कर रहा है, तो कभी ऐसा देखा होगा कि कोई जोकर तोन फुलाकर बैठा है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये बादल नहीं बल्कि चिड़िया है। तो हमारी इस कविता में ऐसे ही बादलों की कल्पना की गई है। तो अब आप बताइए कि मैंने आपको सवालों में उलझाया है या आपको कल्पना की दुनिया में घुमाया है। तो चलिए हम अपनी आज की कविता शुरू करते हैं, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे, आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल, शेरों से मतवाले बादल। लगते हैं तूफानी, कुछ तो लगते हैं तूफानी,
पानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी, झर 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 बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। आपको यह कविता कैसी लगी? समझ में आई? एक और बार सुनते हैं। ठीक है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में नाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। कैसी लगी आपको कविता? मजा आया आपको? तो इस कविता को सुनते समय आप भी बादलों में कहीं खो गए होंगे। कैसे बादल? कुछ ऊंट जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ हाथी जैसे दिखने वाले बादल, तो कुछ जोकर दिखने जैसे बादल। तो इन बादलों में तरह तरह की आकृतियां आपको नजर आती होंगी। बच्चों, यह कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, और आप इस कविता को पढ़ भी सकते हैं। अभी तो आपने ये कविता सुनी है, और अगर आप इस कविता को पढ़ना चाहते हैं तो NCERT की साइट पर जाइए और इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, कविता सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बादल को जिद्दी क्यों कहा गया है? कविता की पंक्तियां मैं दोहरा देती हूं और फिर आप सोचिए कि बादलों को जिद्दी क्यों कहा है। तो मैं शुरू करूं? ठीक है। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो सोचा आपने यहां बादलों को जिद्दी क्यों कहा गया है? बादलों को जिद्दी इसलिए कहा है कि सबने बहुत मना किया कि बादलों इतना मत बरसो, इतना मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। पानी तो उतना ही बरसना अच्छा लगता है जितना हम उसमें आनंद ले सकें, लेकिन अगर यही पानी बहुत बढ़ जाए तो नदी नालों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो इसलिए सबने बादलों को समझाया कि बादल बरसो तो सही, लेकिन इतना भी मत बरसो कि नदी नालों में बाढ़ आ जाए। लेकिन बादल है कि मानता ही नहीं है, और इसलिए बादलों को जिद्दी कहा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल? बादल किसी की बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या कोई है जो बादलों को कुछ समझा रहा है लेकिन बादल हैं कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहे? कविता की पंक्ति को आप दोबारा सुनिए। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब बादल तो आए और बरस कर चले गए, लेकिन बादल ढोल कैसे बजाते होंगे?
कभी सोचा है कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। बादल जब आते हैं आसमान में बरसने के लिए तो खूब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है। बस इसी गड़गड़ की आवाज को कहा गया है ढोल बजाना। तो पता चला आपको कि बादल ढोलक कैसे बजाते हैं? आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी ढोलक लेकर अपनी ढपली अपना राग करके ढोलक बजाते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं, तो हमारी ढोलक और बादल की ढोलक में क्या फर्क है? सोचो। बिल्कुल सही, हमारी ढोलक तो सामने नजर आती है, ठीक है, लेकिन बादल की ढोलक तो सामने नजर आती ही नहीं है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। तो बस इसी से पता चल जाता है कि बादल जो हैं वे गड़गड़गड़ की आवाज कर रहे हैं, यानी कि ढोलक बजा रहे हैं। अब सोचिए कि बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? हम तो ढोल बजाते हैं या ढोलकी बजाते हैं हाथों से, लेकिन बादल कैसे ढोल बजाते होंगे? ये सवाल आपके लिए है। आप सोचते रहिए और जब जवाब मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, बादलों के बारे में एक और खास बात कही है, और ये खास बात आप सभी बच्चों से मिलती जुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी ऐसी कौन सी बात है जो बादलों में भी है? है, एक बात तो है जो आप में भी है और बादल में भी है। कुछ अंदाजा लगाया आपने? चलिए मैं आपको एक संकेत दे देती हूँ। बस इस संकेत के सहारे आप ये समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और बादलों के बीच में एक जैसी है। तो तैयार हैं आप सब कविता की वे पंक्तियां सुनने के लिए? ठीक है, तो सुनिए। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। यानी कि आप सारे बच्चे जिस तरह से शैतानियां करते हैं, बादल भी वैसे ही शैतानी करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि हम तो शैतानी करते हैं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और उसमें मजा आता है, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये बादल क्यों शैतानी करते होंगे, और बादल क्या शैतानी करते होंगे? तो बादल शैतानी में क्या करते होंगे, वे अभी एक जगह हैं तो उड़कर दूसरी जगह पहुंच गए, अब दूसरी जगह हैं तो उड़कर तीसरी जगह पहुंच गए। अब अगर बादलों की अम्मा बादलों से कहे कि बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, भोजन कर लो, मैंने तुम्हारी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन बादल हैं कि हाथ नहीं आने वाले, अभी यहाँ पर हैं, और बादलों की अम्मा उनके पीछे 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 खीर की कटोरी लेकर दौड़े चली जा रही हैं। तो बादल कभी यहाँ है तो कभी उड़कर वहां चले गए। अम्मा अब दूसरी जगह पहुंची तो बादल तीसरी जगह पहुंच गए। अब अम्मा तीसरी जगह पहुंची तो बादल वापस अपनी जगह पर दरवाजे के पीछे छिप गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसमान में दरवाजा कहाँ? तो आसमान में बादल भी अपना दरवाजा, अपना घर खोज लेते हैं। उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा आसमान उनका घर है। तो बस यही बादल शैतानी करते हैं और अम्मा उनके पीछे पीछे खीर की कटोरी लेकर दौड़ती फिरती हैं। फिर क्या करती हैं अम्मा? अम्मा फिर थक हार कर बैठ जाती हैं और कहती हैं, ये लो, तुम्हें खीर खानी है तो खाओ और नहीं खानी तो मत खाओ। लेकिन बादल अब समझ जाते हैं कि अम्मा नाराज हो गई हैं। लेकिन ये अम्मा का झूठ मूठ का गुस्सा है। हमारी माँ भी तो ऐसे झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है हमें, ताकि हम सही रास्ते पर आ जाएं और आराम से भोजन कर लें। तो जब अम्मा थक हार कर बैठ जाती हैं, तो फिर बादल चुपके से आता है, अपनी अम्मा के गले में बाहें डालकर झूलने लगता है और कहता है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है, मेरी प्यारी अम्मा मेरी खीर कहाँ है। तो अम्मा कहती है, खीर ये रखी है और अब तुम खा लो। तो बस बादल भी ऐसे ही शैतानी करते हैं। और बादलों को तूफानी क्यों कहा है? हाँ, बच्चे भी तो अफलातून हैं, खूब बड़े तूफान हैं। तूफान मतलब जिनके आने से घर में धमाचौकड़ी मच जाती है, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे पहुंच जाती है, यानी कि सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। बादल भी ऐसे ही तूफानी हैं, खूब तेज गति से आते हैं और बारिश करते हैं खूब जोरों की, इसीलिए बादलों को तूफानी कहा गया है।
और कुछ रह रह करते शैतानी, यानी कि बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बरसते हैं फिर रुक जाते हैं, बस यही रुक रुक कर बरसना जो है बादलों की शैतानी हम कह सकते हैं। तो आपको यह कविता कैसी लगी, पसंद आई कविता? मेरे पास एक और कविता है और यह कविता भी बादलों के ऊपर है। इस कविता को जब आप सुनेंगे ना तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे, इतनी शर्त तो मैं लगाती हूँ। बच्चों, ये कविता लिखी है राजेश जोशी जी ने। राजेश जोशी जी भोपाल में रहते हैं और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। तो हम सुनते हैं राजेश जोशी जी की एक कविता बादलों के ऊपर। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया 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 दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप 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 टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? एक और बार सुनते हैं, ठीक है। आए बादल बादल आए, पानी जेबों में भर लाए, इतने सारे ताल तलैया, दैया 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 दैया, कहो कहां से तुम भर लाए, जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, पानी बरसा टप 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 टप, बादल के पापा मुस्कुराए। समझ में आई? समझ में तो ये आया कि बादल को क्या कहा गया है, बुद्धू। क्यों? क्योंकि वह अपनी जेब में पानी भर के ले आए थे। और बादल के पापा ने क्या समझाया कि जेब में पानी भर के लाओगे तो वो ठहर पाएगा। तो बादल को लगा कि उसने ये बेवकूफी की है, ये उसने अपना बुद्धूपना दिखाया है। तो उसने क्या किया, उसने झट से अपनी जेब उलट दी, और जब जेब उलट दी तो सारा पानी बारिश के रूप में नीचे गिरने लगा, टप 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 टप। कैसी लगी कविता? आप जब ये कविता सुन रहे होंगे तो यकीनन आप बादल, जेब उलटना, बारिश और बादल के पापा, इन सबको देख पा रहे होंगे, ठीक है। कभी अपनी जेब में भी पानी डाल के देखिएगा कि पानी ठहरता है या नहीं ठहरता, और आपको इतना मौका मिलता है कि आप अपनी जेब पलट कर सारा पानी बाहर कर दें, नहीं मिलेगा, आप आजमा के देखिएगा। लेकिन जेब अपनी हो, किसी और की नहीं हो, वरना उसका पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो आप भी ये करके देखिएगा कि हमारी जेब में पानी ठहरता है या नहीं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जेब में तो पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सही? आप कहेंगे नहीं, उषा दीदी हमें बुद्धू बना रही हैं। नहीं, मैं बुद्धू बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पानी को जमा कर लूँ, यानी कि बर्फ की तरह जमा दूँ उसे, ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में बर्फ जम जाती है, अगर वैसे आइस क्यूब या जो जमी हुई बर्फ है, अगर मैं बर्फ के छोटे छोटे गोले बना लूं, या आइस क्यूब जो ठोस बर्फ होती है, ठीक है, उसे जेब में रखूं, तो बताइए ये जो बर्फ है ये पानी में टिकेगी या नहीं टिकेगी? टिकेगी, थोड़ी देर के लिए तो टिकेगी, हालांकि वो टप 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 गिरती चली जाएगी पानी की बूंदे, क्योंकि गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है और वह जो बर्फ है वह पानी के रूप में बहने लगती है। तो मेरी जेब में तो पानी ठहर सकता है, लेकिन किस तरह से, ठोस रूप में, यानी कि जो बर्फ है बर्फ के तौर पर हमारी जेब में ये पानी ठहर सकता है थोड़ी देर के लिए, सही, लेकिन बाद में शरीर की गर्मी से, गर्माहट से, ये पूरी की पूरी बर्फ पानी बन जाती है और टप 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 शुरू हो जाता है। तो आप भी ये करके देखिएगा कि पानी, हमने नल से एक गिलास में पानी भरा, थोड़ा सा पानी भरा, अपनी जेब में डाला, तो पानी कहाँ गया, पानी सर से नीचे चला गया। अब हम अपनी जेब में बर्फ डालेंगे और आप देखिए कि बर्फ हमारी जेब में ठहरती है या नहीं। अगर यही बर्फ बादल ने अपनी जेब में डाली होती और उसके पापा उससे कहते कि जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, पापा जेबों में भी कहीं ठहरता पानी बुद्धू, बादल के पापा चिल्लाए, जेब उलट दी उसने झटपट, अब क्या होगा, ओले टपके टप टप टप, क्योंकि अब बारिश की बूंदे नहीं है, अब क्या है, ओले, ओले भी तो ठोस बर्फ जैसे दिखते हैं। तो अब उसने अपनी जेब में से बर्फ जब उलट दी
तो ये किस रूप में नीचे आई? ओलों की तरह से। तो बस हमारी कविता में जब पानी है तो बारिश है और ओले हैं तो ओले हैं। तो आपको ये कविता कैसी लगी? यकीनन आपको इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया और मैं अपने बचपन में लौट गई जब सारा आंगन ओलों से पट जाता था। पटने का मतलब आप पूछेंगे, अब पटने का मतलब है कि आंगन में ओले ही ओले थे, ओले ही ओले थे। और हमें ये देखकर बहुत मजा आता था, लगता था कि हमारे घर में भी बर्फ पड़ी है, इतना मजा आता था। लेकिन ये जब किसी गाड़ी पर या टीन की छत पर गिरते हैं, टप 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 टप, बहुत तेज आवाज आती है, तो ओलों की आवाज सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे बच्चे तो ओले खाते भी हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी कविता खुद बना सकते हैं। तो हमारे पास कौन से शब्द हैं? आपने अभी दो कविताएं सुनी, ठीक है। तो बच्चों, क्या आप अपनी कविता बनाना चाहेंगे? ठीक है, तो हम आपकी मदद करते हैं आपकी अपनी कविता बनाने में। अब आपको सोचना क्या है? कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ याद करना है मौसम। मौसम में जो कुछ भी होता है उसे गौर से सोचने समझने की जरूरत है। मौसम में क्या है? अगर हम बारिश का मौसम लेते हैं तो इसमें क्या है? इसमें बादल है, ठीक, इसमें बारिश है, ये भी ठीक है। इसमें हवा सनसन चलती है, ये भी ठीक है। इसमें बिजली चमकती है, वेरी गुड, और बादल गड़गड़ गड़गड़ गरजते हैं। तो यानी कि आपने बारिश से जुड़े हुए तमाम शब्द इकट्ठे कर लिए। अब करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस इन शब्दों को जोड़ तोड़ के एक ऐसी लय ताल में बांध दीजिए और कविता अपने आप बन जाएगी। तो हम इन्हीं शब्दों से बनी हुई एक कविता सुनते हैं और आप कोशिश कीजिएगा अपनी खुद की कविता बनाने की। तो चलें सुनते हैं एक और कविता। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम। झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। तो इसमें हमने क्या किया? हमने कहा बादल गरज रहा है गड़गड़, तो हमने बादल शब्द लिया और गड़गड़ शब्द लिया। अब बिजली के साथ क्या है? बिजली चमकती है, तो चमकने के लिए हमने चमचम शब्द का इस्तेमाल किया और लाइन क्या बनाई हमने? बिजली चमक रही है चमचम। फिर जब बिजली चमकती है तो पानी बरसता है, और पानी के बरसने की आवाज क्या है? झमझम। तो हमने बस यही पंक्ति बना दी, झमझम बरस रहा है पानी। अब पानी की लय में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? पानी की लय में आ सकते हैं आनी, जानी, मानी, नानी। तो क्यों ना हम नानी शब्द को ले आए। झमझम बरस रहा है पानी, और अंतिम शब्द में हमारे पास कौन सा शब्द है? नानी। अब हमें करना क्या है? हमें नानी से पहले वाले शब्द खोजने हैं। तो झमझम बरस रहा है पानी, नानी। तो क्या हो सकता है? अब कैसे आएगी नानी। है ना मजेदार कविता? तो एक बार और दोहरा लेते हैं इस कविता को। बादल गरज रहा है गड़गड़, बिजली चमक रही है चमचम, झमझम बरस रहा है पानी, अब कैसे आएगी नानी। कैसी लगी कविता? अपनी नानी को तो आप ये कविता जरूर सुनाइएगा। बस आपको करना इतना है, खूब सारे शब्द इकट्ठे कीजिए और उन्हें इस तरह से संजो कर रखिए कि एक लय एक ताल में ये पंक्तियां बनती चली जाएं। बस जैसे जैसे पंक्तियां बनती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी कविता भी बनती चली जाएगी। तो अपनी नानी को ये कविता सुनाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता। ध्वन्यांकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।